जबलपुर के लाल मैदान में 10 मार्च प्रारंभ हुआ अटल कप सीजन 2 का आज समापन होगा, जिसमें मजस्प्रीत की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 10 ओवर में मात्र 72 रन ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जबलपुर के मेट्रो प्राइम ने 9 ओवर में जीत हासिल करके अटल कप जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जबलपुर के मेट्रो प्राइम ने 9 ओवर में जीत हासिल करके अटल कप जीत लिया है। आयोजकों द्वारा विजेता मेट्रो प्राइम को 61,000 की नगद राशि और अटल कप की शील्ड देकर सम्मानित किया गया और उप विजेता टीम को 31,000 रूपये की राशि दी गई। आज के इस कार्यक्रम में जबलपुर के महापौर अनु सिंह पार्षद, श्रीराम पटेल पार्षद, संजय तिवारी बीजेपी नेता, उमेश तिवारी, रॉबिन तिवारी और मंत्री राकेश सिंह के भतीजे तनिष सिंह भी शामिल हुए। यह अटल कप सीजन 2 जो कि आयोजक ओम तिवारी जी द्वारा एवं राजुल अवस्थी द्वारा यह टूर्नामेंट कराया गया। निश्चित ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहित करता है और जैसा कि आज खेले मेट्रो प्राइम ने जो अपनी प्रदर्शन दिखाया उनको मैं साधुवाद देता हूं कि इतना अच्छा खेलकर इस कप को दोबारा जीतने में कामयाब रहे। मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं इस टीम की ओर से, उस कमेटी की ओर से। कितनी इनाम की राशि दी जा रही है? 61,000 रुपये हमने इनको विजयी विजेता को 31,000 रुपये प्रदान किए हैं। रॉबिन तिवारी, अटल कप का आयोजन किया गया था उसका समापन आज ग्रैंड फिनाले रहा है अपने अटल कप सीजन 2 का, जिसके आयोजक हम लोग रहे और बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैच रहा जिसमें मेट्रो प्राइम ने 72 ही रन मार पाए थे लेकिन मैजेस्टिक टीम ने 72 ही रन मार पाए थे लेकिन मेट्रो प्राइम ने 9 ही ओवर में उन्हें ख़त्म कर दिया और आज विजेता कप लेके यहां से जा रहे हैं, जिसमें हमने 61,000 रुपये विजेता को दिए हैं, उप विजेता को 31,000 रुपये दिए। मन में आया था कि इसका नाम अटल ही कप रखा जाए? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनको अपन उनको सर्वमान्य मानते हैं, भाजपा पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें हमारा छोटा भाई ओम वो भी भाजपा पार्टी में है सिलेक्ट, कोई अच्छे पद पर है, तो उसके कारण अपन ने उनको मेन आदमी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कप रखा। कितनी इनाम की राशि दी गई है विजेता टीम के? 61,000 रुपये दी गई है। अच्छा, आपका नाम? राजुल अवस्थी। जिसमें मेट्रो प्राइम ने ये जीत हासिल करी बहुत आसानी से, बहुत ही रोमांचक मैच था, ऐसा नहीं बोल सकते कि आसानी से। मैजेस्टिक टीम ने बहुत ले गए थे और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के भतीजे तनिष्क राज सिंह जी पधारे, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी पधारे, पार्षद श्रीराम पटेल, संजय तिवारी, संजय गुप्ता और सभी मौजूद रहे। लाल मैदान संजीव नगर स्थित गढ़ा 10 तारीख से प्रारंभ हुआ था, इसकी सूचना हम लोगों ने पहले भी दे दी थी। इनामी राशि दी गई है? इनामी राशि 61,000 रुपये विजेता टीम को दिया गया है, 31,000 रुपये उप विजेता टीम को दिया गया है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी दी गई है? मैन ऑफ द मैच को शील्ड दी गई है, मैन ऑफ द सीरीज को शील्ड दी गई है और बेस्ट बॉलर को शील्ड दी गई है। और अटल कप ही क्यों नाम रखा था आप लोगों ने इस आयोजन का? अटल कप हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, मतलब आप उनके हर व्यक्ति से आप बिल्कुल बुराई बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, इसीलिए ऊर्जा वाले व्यक्ति थे, युवाओं में बहुत ही उनका क्रेज है, इसी तरीके से हम लोगों ने अटल कप। ओम तिवारी, मंडल मंत्री भाजपा युवा मोर्चा। लाल मैदान में आपने विजेता बने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया विजेता बन के, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है यहाँ पे। बरेडिया मेट्रो प्राइम शहर की जानी मानी टीम है और ज़्यादातर टूर्नामेंट खेलती है और यहाँ भी हमारी टीम ने सभी लड़कों ने बहुत अच्छा खेला और ये टूर्नामेंट जीता। कितना कठिन था भैया ये सफर? बहुत कठिन था भैया, हर मैच हमारे अच्छे हुए, कुछ लूज हुए लेकिन अभी सेमीफाइनल फाइनल बहुत ज़्यादा कठिन थे, लेकिन लड़कों ने बिल्कुल लग के मेहनत करके खेला और विजेता बनने का गौरव हासिल किया। भैया अभी आज के मैच में थोड़ा सा स्थिति आपके तरफ नहीं थी उस समय आप लोग की टीम के लिए, क्या थोड़ा नाइट टूर्नामेंट है और विकेट भी टफ था सर, छोटा विकेट था और टफ था, उस कारण थोड़ा मैच फंस गया, लेकिन बल्लेबाजों ने गोलू लारिया जी ने और सरसे शुक्ला ने बहुत अच्छा बैटिंग की, सूझबूझ से भरी बैटिंग की और टीम को जिताया। ये समिति ने अटल कप का आयोजन किया था जी, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ अटल कप का, ये दूसरा सीजन था उनका, पहला सीजन उन्होंने पहले कराया था और कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया, डे नाइट टूर्नामेंट कराना कठिन था लेकिन बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कराया। समझते हैं कि सदस्यों के बारे में क्या बोलेंगे जो अच्छा आयोजन किया? बहुत ही उनको धन्यवाद बोलूंगा मैं कि उन्होंने इतना अच्छा सफल आयोजन किया और इसको पूरा फाइनल तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद समिति के लिए। आपका नाम? चेतन रघुवंशी।